वेलकम टू द आशमा शो। दोस्तों, फिलहाल के दिनों में सरकार द्वारा उठाए कदमों पर कुछ शंका पैदा होती है। शंका सरकार की मंशा पे नहीं, बल्कि कोरोना से उत्पन्न हुई ऐतिहासिक सिचुएशन को हैंडल करने में। पहले सरकार ने श्रमिकों, मजदूर वर्ग को ज्यों की त्यों स्थिति बनाने को कहा, और जब सरकार की इस बात पे किरकिरी होने लगी कि विदेशों से लोगों को स्पेशल फ्लाइट भेजकर एयरलिफ्ट करवाया जा सकता है, तो क्या मजदूरों को उनको अपने घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता? प्रेशर में आकर सरकार ने जब स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाने की सोची, तो सरकार ये साफ साफ मैसेज पहुंचाने में असमर्थ रही कि मजदूरों से ट्रेन का किराया लिया जाएगा या नहीं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि देश इस समय कोरोना के संकट के साथ साथ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है, लेकिन क्या सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर 8 से 10 रुपए बढ़ाए दामों को सही ठहराया जा सकता है? क्योंकि आर्थिक संकट केवल सरकार नहीं, बल्कि हर एक परिवार झेल रहा है। साथ ही सरकार द्वारा ठेके खोलने के डिसीजन ने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की धजिया उड़ा दी। इन्हीं सब टॉपिक्स पर खुलकर अपनी राय रखूंगी। बने रहे वीडियो के एंड तक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर। 5 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है। 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा 2 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर और 5 रुपए पर लीटर डीजल पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। अब इस सब को हम मिला दे तो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए पर लीटर और डीजल की कीमत में 13 रुपए पर लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दूं कि भारत दुनिया भर में फ्यूल पर सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश बन गया है। सरकार के इस कदम की आलोचना हो रही है, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम उस टाइम बढ़ाए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत न्यूनतम स्तर पर है। इससे पहले 14 मार्च को भी सरकार ने 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है, सरकार उसका सारा लाभ खुद उठाकर पैसे इकट्ठा कर लेना चाहती है। सरकार का तर्क ये है कि ये पैसा कोरोना और उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा देने से देश में महंगाई और नहीं बढ़ जाएगी? मंदी के टाइम में क्या सरकार का कंज्यूमर्स के ऊपर महंगे दामों का बोझ डालना ठीक है? अपने विचार इस पर जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं सरकार के हाल ही में शराब के ठेके खोलने के डिसीजन को लेकर। लॉकडाउन पार्ट 3 में शराब की दुकानों को खोलने का डिसीजन लिया गया था। इस डिसीजन से किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वायलेट हुए हैं, इसकी वायरल वीडियोस अभी तक आपने देख ही ली होगी। इस एक डिसीजन की वजह से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा इतना बढ़ गया है कि कुछ राज्य सरकारों को डिसीजन रिवर्ट करना पड़ा। मुंबई, जहां कोरोना वायरस के 10,700 से ज्यादा मामले हैं, वहां लीकर शॉप्स को अब बंद करने का डिसीजन लिया गया है। दरअसल शराब और पेट्रोल दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर नहीं आते, तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को हो रहे फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए ही लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2018-19 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री से 23,918 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला था। मैं सरकार द्वारा बढ़ाए टैक्सेस पर सवाल नहीं उठा रही हूं, बल्कि ये तो अच्छा है कि लग्जरी आइटम से कमाया हुआ पैसा गरीबों के ही इस्तेमाल आएगा, लेकिन इसे कदम से कोरोना फैलने के चांसेस बहुत बड़े हैं, इसको कतई नकारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं उन मजदूरों की जो अपने ही देश में फंसे हैं और घर जाना चाहते हैं, और उन छात्रों की जो विदेश में फंसे और इंडिया वापस आना चाहते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए तो सरकार ने 1 मई से विभिन्न राज्यों से अब तक 140 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिनसे लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए 1,35,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनकी मंजिल यानी कि उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हैं, ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक बिना स्टॉपेज के चलेंगी, ताकि लोगों के उतरने चढ़ने से उत्पन्न मिसमैनेजमेंट से बचा जा सके और कोरोना के संक्रमण को भी रोका जा सके। लेकिन सरकार इस प्रोसेस को अच्छे से समझाने में नाकाम रही। पहले जिन जिन जगहों पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वहां पर्याप्त पुलिस फोर्स की कमी के कारण भीड़ बेकाबू हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। दूसरा,
लोगों को ये साफ साफ पता ही नहीं चल पाया कि मजदूरों को ट्रेन में यात्रा करने का किराया भी देना है या नहीं। और सोशल मीडिया पर अलग अलग जानकारी के साथ वीडियोस वायरल होने लगी, जिन्होंने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। बाद में सरकार ने सफाई दी, किराए का 85% रेलवे पे करेगी और बाकी का 15% सब्सिडी के रूप में राज्य सरकारों को देना है। अब बात करते हैं विदेश में फंसे हमारे भारतीय स्टूडेंट्स की। तो इन स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने मिशन वंदे मातरम शुरू किया है, जिसमें 7 मई से लेकर 13 मई तक 64 फ्लाइट्स में भारतीयों को इंडिया वापस लाया जाएगा। मोटा मोटा एस्टिमेट बताऊं तो इस वक्त लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं विदेशों में जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, और इनमें से कम 1.5 लाख लोगों को वापस लाना होगा, क्योंकि ये लोग इस समय उन देशों में मुसीबत में हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों का वीजा खत्म हो चुका है। फॉरेन मिनिस्टर SJ शंकर ने अपील की है कि जो भारतीय देश लौटना चाहते हैं तो वो जिस देश में हैं वहां की इंडियन एम्बेसी में संपर्क करें। लोगों को वापस लाने के लिए सरकार पैसे ले रही है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग ब्रैकेट है, जैसे लंदन से लगभग 50,000, अमेरिका से 1 लाख रुपए और दुबई से लगभग 13,000 रुपए। और सरकार का कहना है कि जो भी लोग विदेशों से वापस आएंगे उनको कंपल्सरली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा, ताकि उन लोगों पर निगरानी रखी जा सके। उनको क्वारंटाइन पीरियड में घर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में विदेशों से लौटे लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उनकी वजह से लोकल लोगों में ये वायरस फैल गया था। और आपको ये भी बता दूं कि लोग सिर्फ एयरलिफ्ट तरीके से ही नहीं इंडिया लाए जाएंगे, बल्कि ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत समुद्र के रास्ते से भी लाए जाएंगे। एक बात और, केवल वही लोग इंडिया वापस आ सकेंगे जिनमें अभी कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, और सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जुटाई जानकारी और उसका एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करें, और अगर आप किसी बात से असहमत है तो कमेंट करके अपनी असहमति जरूर जताएं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।